बादशाह दे घर अंदर पुत्र नहीं है। अखीर फैसला हुआ कि किसी दे पुत्र नूं आपां गोद लै लईए, इहदे नाल उहदी भी गरीबी मापियां दी कट्टी जाएगी, तैनूं औलाद का सुख मिल जाएगा, राजगद्दी का मालक मिल जाएगा, उन्हां नूं दौलत मिल जाएगी, दोनों पक्ष सुखी रहणगे। राजे ने एक पुत्र नूं गोद दे विच लिया, पर कई बार पता की हुंदा है कोई चंगा कर्म करे तो दूजे दे मन अंदर ईरखा बड़ी पैदा हुंदी है। बख्शिशां करन वाला परमात्मा दाते दात रखियत अपने जिस भावै तिस देई, उस मालक ने दातां देनियां ने जिन्हों मर्जी दे देवे, कीड़ा थाप दे पातशाही। पर कई मेरे वर्गे बड़े ईरखा दे विच पुजदे ने सड़दे ने कि आ दो कोडियां दा बंदा बादशाह बन जाएगा, तो भूलिया उन्हें किड़ा तेरे तो कुछ लै लिया है, उहदे कर्म ने। पर अंदर ईरखा है। एक ब्राह्मण बादशाह नूं जाके कहिंदा है कि बादशाह तेरे कर्मां भागां दे विच पुत्र दा सुख लिखिया है, पर जिमें मैं तेनू दसांगा उदां ही करना पैना है। नाले गल ध्यान नाल सुन लै, अपना पुत्र अपना ही हुंदा है, बेगाना खून बेगाना ही रहिंदा। अग लाउण वाले थोड़ी घट थोड़ी करदे ने, पूरी गल बना के ते फिर बिल्कुल टिकाने दे उत्ते लाउणी है, तां जो साडी कही हुई गल जिहड़ी आ बेअर्थ ना चली जावे। राजे ने इस गल नूं बड़ी बरीकी दे नाल विचारिया, गल ते बड़ी सच्ची है। उन्हें आख्या कि फिर कीता की जावे। पंडित ने आख्या कि इस पुत्र दी बलि दे दे, दूजा पुत्र तेरे घर विच हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। जिहड़ी चीज अपनी ना होवे वह चीज बर्बाद भी हो जाए सानू कोई मुश्किल नहीं लगती। जिहड़ा धन असी बड़ी मेहनत दे नाल कमाया होवे ना, ते घर अंदर किते एक बत्ती भी फालतू जगदी होवे ते बंदे नूं पीड़ा हुंदी, उहनूं पता है कि फजूल जग रही है। पर जदों पता है कि बिल ते बापू नहीं देना है, कोई गल नहीं, जगदी जग लैण दे, उत्थे पीड़ा नहीं हुंदी। बादशाह दा अपना खून नहीं सी, लोभ लालच दी पट्टी अखां दे उत्ते बन्नी गई, उहनूं पता जी मेरा खून है ही नहीं, मर भी जाएगा फिर की हो गया, जे इहदे मरण दे नाल मेरे घर अंदर औलाद पैदा हुंदी है होर मैनूं की चाहीदा है। उहने सारे सभा दे अंदर टिंडोरा पिटवा दिता कि कल नूं दिन चढ़दियां राजा अपने पुत्र दी बलि दे रहा है, क्योंकि उहदे घर उहदा अपना पुत्र होवेगा। सारे लोग इस घटना नूं देखण दे लई इकट्ठे होए। राजा अपनी राजगद्दी दे उत्ते बैठिया, जिहड़ा पंडित सी उह मंत्र पढ़न दी तैयारी दे विच है, ते उह मासूम बच्चा रेता दियां मिट्टी दियां तीन ढेरियां बना रहा है। उहने तीन ढेरियां मिट्टी दियां बनाईयां, ते तीन ढेरियां मिट्टी दियां बना के पहली ढेरी वल वेखिया, लत मार दित्ती। फिर दूजी ढेरी दे वल वेखिया, लत मार दित्ती। तीजी ढेरी वल वेखिया, उन्हें लत नहीं मारी। बादशाह बड़ा हैरान होया, ये पुछण दे लई उस बच्चे दे कोल आया ते कहन लगा कि मेरे पुत्र तू जो कुछ कीता है मेरी समझ तो बाहर है, तीन ढेरियां तू मिट्टी दियां बनाईयां ने, दोवां नूं लत मार दित्ती है, पर एक नूं लत क्यों नहीं मारी? दो ढेरियां किहड़ियां ने ते एक ढेरी किस दी है? उस बच्चे ने आख्या कि पहली ढेरी मेरे मापियां दे नाम दी सी, जिस मापियां ने मैनूं जन्म दिता अपने घर अंदर, ते जन्म दे के वो गरीबी दे अगे इतने मजबूर हो गए, उन्होंने मेरा ही सौदा कर दिता।
एक बच्चे दे सहारा उहदा सब तो वड्डा मापिओ हुंदा है। ते जे मापिओ ही एदां वेचण लग जावे ते फिर इस करके मैं अपने मापियां दी नाम दी ढेरी जिहड़ी सी ना उह ढा दित्ती। उन्हें आख्या जी फिर दूजी ढेरी किहदी है? बच्चे ने जवाब दिता, बादशाह दूजी ढेरी है तेरे नाम दी। तू ए सोच के अपने घर अंदर लैके आया मैनू के मेरे घर औलाद नहीं, मैनू औलाद का सुख मिल जाएगा। जदों किसी ने तेरे कन्नां दे विच खबर पाई कि बेगाना खून बेगाना हुंदा है, तू मैनू भी मारन दे उत्ते तुल गया। इस करके मैं तेरी ढेरी भी ढा दिती है, मैनू तेरा कोई आसरा नहीं। वो कहिंदा तीजी ढेरी क्यों नहीं ढाई? तीजी ढेरी है परमात्मा दे नाम दी, अकाल पुरख दे नाम दी। मैं सुनिया है जिदा मां ना होवे, प्यो ना होवे, कोई भी ना उहदी बाह पड़े, उहदी बाह परमात्मा पड़दा है, अकाल पुरख पड़दा है। जिसके सिर उपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। और राजे ने जदों ये सुनिया उन्हूं अपनी अपने कर्मां दे उत्ते बड़ी शर्म आई, बहुत शर्म महसूस करदा है। उन्हें उस पुत्तर नूं कतल करन दा जेड़ा फैसला सी वो रद्द कर दिता। उन्हूं समझ लग गई कि हर इंसान दे अंदर परमात्मा दी जोत जगदी पई है। ये तो साड़ी दृष्टि है, असी किस दृष्टि दे नाल किस चीज़ नूं वेख देगा।